एक इंसान जिसकी चाहत होती है बहुत बड़ी पोस्ट में सेलेक्ट होने की, बट कंपटीशन ज्यादा होने के कारण वो उस टारगेट को तो अचीव नहीं कर पाता, इसलिए उसको एंड में हार के एक छोटी सी पोस्ट पर संतुष्ट होना पड़ता है। कुछ इसी कंसेप्ट को लेकर जो है हमारी अमेजन प्राइम में एक नई सीरीज आई है जिसका नाम है पंचायत। तो आज इस वीडियो में मैं उसी सीरीज को लेकर बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी, आई होप कि आप सभी के साथ बहुत बढ़िया और बिंदास होंगे। तो अमेजन प्राइम में अभी हाल ही में मार्च एंड में जो एक नया सीरीज आई है जिसका नाम है पंचायत, शायद आप में से किसी ने देखी हो या नहीं देखी होगी, तो आज मैं इस वीडियो में आपको उसी के बारे में बताने वाला हूँ। मैं नॉर्मली बहुत सिलेक्टेड सीरीज ही देखना पसंद करता हूँ, बट जब मैंने अमेजन प्राइम खोला था उसमें जब मैंने पंचायत सीरीज का ट्रेलर देखा तो मैंने उसके अंदर अपने जीतू भैया को लीड रोल प्ले करते पाया। जीतू भैया को आप सभी जानते होंगे जो कि टीवीएफ के बहुत फेमस एक्टर है और उन्होंने बहुत सारे सीजन करे हैं ऑलरेडी, और अभी हाल फिलहाल में हमने शुभमंगल ज्यादा सावधान में आयुष्मान खुराना के अपोजिट उनको लीड रोल प्ले करते हुए देखा है। तो उन्हीं के कारण मैंने जो है सीजन को देखने का डिसाइड करा, क्योंकि नॉर्मली जो भी उनके सीजन आते हैं यूट्यूब में हमने अभी तक देखे ही होंगे वो बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही अलग होते हैं, बहुत अलग कंसेप्ट होता है। तो इसी वजह से जो है मैंने डिसाइड करा कि मैं सीजन को देखता हूँ। तो इस सीरीज की स्टोरी कुछ इस तरीके की है, जो कि हमारे जीतू भैया जिनका नाम इस सीरीज में जो है अभिषेक है, वो जो है अब एक बहुत बड़ी पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे थे, उनको एक आईटी कंपनी में सिलेक्ट होना होता बट कंपटीशन ज्यादा होने के कारण वो टारगेट तो अचीव नहीं कर पाते। तो इन द एंड उनको जो है पंचायत सचिव की पोस्ट मिलती है, वो एक शहर के रहने वाले व्यक्ति होते हैं और उनको जो पंचायत सचिव की जब पोस्ट मिलती है तो वो एक गांव में मिलती है, उस गांव का नाम होता है फुलेरा। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि एक शहर में रहने वाला व्यक्ति जब किसी गाँव में आएगा तो उसकी जो सुख सुविधाएं जो उसको फैसिलिटीज वहाँ शहर में मिलती है तो वो कैसे एडजस्ट कर पाएगा अपने आपको विलेज में। इस तरीके के कुछ कंसेप्ट को लेकर जो है हमारी पंचायत सीरीज आई है। अब हमारे सचिव जी ठहरे शहर में रहने वाले व्यक्ति, तो उनको जो है गांव में एडजस्ट होने में थोड़ी सी दिक्कतें आई, थोड़ी सी नहीं बहुत सारी दिक्कतें आई। उन्हें बहुत बार ऐसा लगता है कि काश मैं भी किसी बड़ी पोस्ट में या दूसरी जगह कहीं सिलेक्शन हुआ होता तो वो ज्यादा उनके लिए बेटर होता, और वो कहीं ना कहीं गाँव में जब उनकी पोस्टिंग लगती तो वहाँ आके बिल्कुल भी वो खुश नहीं रहते। स्टार्टिंग में टाइम काटना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है, वो वहाँ के लोगों को नहीं समझ पाते, वहाँ के रहन सहन को नहीं समझ पाते। तो बट धीमे 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 करके जैसे उनका टाइम कटता है तो उनके लोगों के साथ अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, उनको कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा मजा आने लगता है घूमने। थोड़ा थोड़ा इसलिए बोलूंगा क्योंकि उनको एंड तक ऐसा नहीं लगा कि एंड तक वो फुली सेटिस्फाई हो और उन्होंने डिसाइड करा हो कि हाँ अब मैं यहीं रहूंगा। बीच में वो प्रयत्न भी करते थे कि उनका कैट का पेपर देंगे और कहीं किसी अच्छे कॉलेज में सिलेक्शन हो जाएगा तो वो आगे पढ़ के एक अच्छी कंपनी में जॉब कर लेंगे। कभी कभी जब वो सोशल मीडिया खोलते थे अपने दोस्तों को देखते थे कि वो मौज मस्ती मार रहे हैं, वीकेंड एंजॉय कर रहे हैं, पार्टीज में जा रहे हैं, क्लब में जा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो कमी उनको बीच बीच में महसूस होती रहती थी। और सचिव जी को हमारे ये सब सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों को मजे मस्ती करते देखते बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो बहुत बार जो है डिमोटिवेट हो जाते हैं और वो ये सोचते हैं कि शायद उनकी जिंदगी बिल्कुल बेकार हो चुकी है और उनके दोस्त पूरे मजे ले रहे हैं अपनी जिंदगी के। तो ये कहीं ना कहीं उनको बहुत बार नेगेटिव और डिमोटिवेट करती रहती है उनको ये चीज। टोटल इस सीजन में 8 एपिसोड है और हर एपिसोड एक डिफरेंट कंसेप्ट को लेकर आता है, और स्टोरी कहीं ना कहीं इन्होंने बेसिकली इसको कॉमेडी सीरीज बनाने की कोशिश करी गई है, बट मेरे को ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं कॉमेडी पंचर इतने ज्यादा नहीं थे, बहुत कम जगह थे जहाँ पे आपको हंसी आए। नॉर्मली ये जो सीजन है बिल्कुल एक सिंपल स्पीड से चल रहा है, ना ही ये ज्यादा अप जाता है ना ही ये ज्यादा डाउन जाता है, बहुत नॉर्मल स्टोरी को लेकर ये आए हैं। आपको बिल्कुल टिपिकल विलेज लाइफ देखने को मिलेगी कि किस तरीके से एक शहर का व्यक्ति गांव में सर्वाइव कर। बट मुझे कहीं ना कहीं एक चीज की जो है कमी लगी कि अगर ये एक तरीके का कुछ सीजन बना ही रहे थे तो इन द एंड इनको कहीं ना कहीं ऐसा दिखाना चाहिए था कि जो हमारे सचिव जी उनको गांव में रहना रहकर खुशी मिल रही है, बट ऐसा कुछ जो है वो सीजन में नहीं दिखा पाए हैं। मे भी कहीं ना कहीं थोड़े से सस्पेंस में उन्होंने सीजन को खत्म कर रहा है, हो सकता है जब पार्ट टू आया तो कहीं ना कहीं तब इस चीज को और क्लियरिफाई करें, बट इस सीजन को लेकर अगर बात करें तो ये चीज कहीं ना कहीं जस्टिफाई बिल्कुल भी नहीं हुई है कि जिस ग्राफ को लेकर वो लोग चल रहे थे, मीन जो थीम की एक शहर से आया हुआ व्यक्ति गांव में बसा है उसकी लाइफ कैसे चेंज हुई है, बट कहीं ना कहीं वो एंडिंग हैप्पी एंडिंग नहीं दी गई है, बिल्कुल भी हैप्पी एंडिंग नहीं दी गई है। तो ये सीरीज देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए, देखो मैं अपना पर्सनली बताऊँ तो मैंने ये सीरीज अपने जीतू भैया की वजह से ही देखी, क्योंकि उनकी नॉर्मली जो सीरीज होती है वो काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग होती है। ये सीरीज काफ़ी अलग है और सीरीज के कंपेयर में एक आपको टिपिकल गाँव की लाइफ देखने को मिलेगी। मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि आपको सीजन कहीं पर बोर करता है, एक नॉर्मल चलता है, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं बनाता है और कहीं पे ऐसा भी फील नहीं होता कि बहुत ही बेकार। मैं कहूंगा कि एक एवरेज सीजन है, आप वन टाइम वॉच है, आप देख सकते हैं अगर आपको इस तरीके की स्टोरीज देखना पसंद है। कोई एक्शन नहीं है, कुछ लव नहीं है, मैं सोच रहा था कुछ लव रोमांटिक कुछ गाँव में दिखाते बट उन्होंने ऐसा कुछ नहीं दिखाया, बहुत सिंपल और बहुत प्लेन कंसेप्ट इस सीजन में उन्होंने दिखाया। एक्टिंग को लेकर अगर बात करूँ तो एक्टर्स काफी छोटे छोटे हैं, आपने नॉर्मली बहुत सारी मूवीज में उनको देखा हुआ या सीजन में आपको कहीं ना कहीं दिखे होंगे वो, और एक्टर ने जो एक्टिंग करी है वो बहुत ही बखूबी बहुत बेस्ट करी है। उन्होंने गांव के जो रोल दिखाने थे उसमें वो सभी ने जो है बहुत अच्छे से निभाए हैं, तो एक्टिंग के लिए तो मैं बोलूँगा सबने बहुत अच्छा काम करा है। दोस्तों बस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगर आपको ये मेरा छोटा सा रिव्यू पसंद आया तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट अगर आपने सीजन देखा तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपको सीजन कैसे लगा,
और मैं को सीजन देखने का शौक है, तो मैं जो भी सीजन देखूंगा मुझे अच्छा बुरा जैसा भी लगेगा मैं आपको वीडियो में अपडेट देता रहूंगा। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, टिल देन गुड बाय, विल सी यू सीन इन माय नेक्स्ट वीडियो।